कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि हम समझ ही नहीं पाते लव है या फिर अट्रैक्शन। ये खेल दिल और दिमाग का है। हम दिमाग को दिल समझ लेते हैं और दिल को दिमाग। जब ये दोनों एक दूसरे से उलझ जाते हैं तो हम प्यार और आकर्षण के बीच का फर्क नहीं कर पाते और अक्सर आकर्षण को ही प्यार कहने लगते हैं। वैसे मोस्टली आपने इस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि एक सक्सेस लाइफ जीने के लिए आपकी जिंदगी में प्यार का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ऐसा प्यार नहीं कि जो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पर हो, ऐसा प्यार जो सच में आपकी जिंदगी बदल जाए, एक ऐसा प्यार जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे, मोटिवेट करे। तो लाइफ में सक्सेस होने के लिए प्यार भी होना बहुत ही जरूरी है। प्यार भी एक छोटा सा हिस्सा होता है सक्सेस लाइफ के लिए, और इसीलिए जरूरी होता है कि आप किसी को प्यार करते हो या फिर वो सिर्फ अट्रैक्शन है। तो यहां पर मैं इसी उलझन को खत्म करने वाला हूं। सो लव एंड अट्रैक्शन, या फिर कहे तो लव एंड लाइक, दोनों का मतलब एक सा ही होता है। एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूं जो आपने बहुत जगह पर सुना होगा। आपने अपने घर में एक गुलाब का पौधा लगाया और जैसे ही उसमें गुलाब का फूल आया, आपने उसे तोड़ लिया और अपने पास रख लिया। तो इसका मतलब हुआ कि फूल आपको पसंद है, या फिर आप उस फूल की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, यानी कि आकर्षित हुए हो, और आपने हमेशा के लिए उस फूल को अपने पास रखना चाहा। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर आपको फूल से प्यार है तो आप उसे कभी नहीं तोड़ेंगे, उसे आप तोड़ेंगे नहीं बल्कि उसे पालोगे, उस पौधे को रोज पानी दोगे ताकि वो पौधा कभी खराब ना हो जाए और आप जिस फूल को चाहते हो वो भी आपके सामने रहे, वो भी बहुत ही खिलखिलाता हुआ रहे। मोस्टली हमारी यंग जनरेशन की बात की जाए तो इस साधारण सी बात को समझ नहीं पाते, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो मेरी इस बात पर एग्री भी नहीं करेंगे, बिकॉज कि वो लोग अपने माइंड में फिट कर चुके हैं अट्रैक्शन ही प्यार है, और इसीलिए तो आकर्षण को ही प्यार का नाम देने लगते हैं, जिसका रिजल्ट आगे जाकर बहुत ही खराब आता है, जिसकी वजह से आपको खराब आदतें पड़ने लगती है, क्योंकि वो अट्रैक्शन है ना कि प्यार है। दरअसल आकर्षण के पीछे हमेशा इंसान के अंदर एक डिजायर छुपा होता है, या फिर यूं कहे तो इंसान जिसके लिए अट्रैक्ट हुआ है उसमें अपना बेनिफिट देखता है, अपना फायदा देखता है। वो फायदा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, लाइक फिजिकली भी हो सकता है, पैसे से जुड़ा भी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है जिसमें उसे खुशी मिलती हो। डेट मीन्स अट्रैक्शन में आप जब भी किसी इंसान के साथ जुड़ते हो, डिजायर या फिर कोई ना कोई बेनिफिट देखकर ही आप उसके साथ कनेक्ट होते हो। उसी को आज के यंग जनरेशन प्यार मान लेते हैं। इससे थोड़ा ऑपोजिट जाकर प्यार के बारे में समझते हैं कि प्यार जिसके पीछे इंसान का कोई डिजायर नहीं होता। लाइक एग्जाम्पल में कहूँ तो हमारे पेरेंट्स का ही प्यार ले लीजिए, जो दुनिया में सबसे रियल वाला प्यार माना जाता है, और आई एम 100% श्योर आप भी उसी प्यार को सबसे रियल समझते होंगे। उनको हमारे पैदा होने पर कोई भी बेनिफिट यानी कि लाभ नहीं हुआ था, उनको आपसे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, आपको वो पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, आपकी केयर करते हैं, फिर भी सामने से कोई बेनिफिट, कोई भी लाभ की वो इच्छा नहीं रखते। और ऐसा भी नहीं है कि वो आपको पढ़ाते इसलिए कि बड़े होकर आप उनकी सेवा करो, वो अपना फर्ज समझकर आपको बहुत ही प्यार से बड़ा करते हैं और आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। इसे कहते हैं एक सच्चा प्यार। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे पहचाने कि प्यार है या फिर अट्रैक्शन। यहां पर मैं कुछ साइंस बताने वाला हूं जो प्यार और अट्रैक्शन को अलग करेंगे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि प्यार की शुरुआत
अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण से होती है। लेकिन इनके फर्कों को यानी कि इनके बीच का जो फर्क है उसको समझने के लिए सबसे जरूरी बातें होती है, वही यहां पर मैं आपको बोलने वाला हूं। आकर्षण की पहचान, साइन ऑफ अट्रैक्शन। नंबर वन, आकर्षण में अक्सर आपका फोकस सामने वाले व्यक्ति का लुक या फिर बॉडी पर होता है। मोस्टली देखा जाता है कि लड़का हो या फिर लड़की है, वो दोनों एक दूसरे के अंदर लुक पर ही ज्यादा फोकस करते हैं कि तुम्हें ऐसे दिखना है, तुम्हें वैसे दिखना है। हाँ, एक कैरिंग पॉइंट पर अच्छा है, लेकिन अगर ज्यादा लुक या फिर बॉडी पर ध्यान जाने लगे तब उसे अट्रैक्शन ही कहा जा सकता है। नंबर टू, आकर्षण में इंसान अपने रिलेशनशिप को रियल फीलिंग की बजाय फैंटेसी यानी कि कल्पना पर टिकाने की कोशिश करता है। मोस्टली लड़का हो या फिर लड़की, जब भी किसी पर अट्रैक्ट होते हैं तो उनको खुश करने के लिए झूठी झूठी अपनी तारीफें सुनाते हैं या फिर झूठे मूठे वादे कर देते हैं एंड अपनी तारीफों के पुल बनाकर उसको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसको फैंटेसी की दुनिया ही तो बोला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना की दुनिया। नंबर थ्री, आकर्षण में दो लोग लवर्स हो सकते हैं लेकिन रियल फ्रेंड्स नहीं हो सकते, जो एक दूसरे के इमोशंस को अच्छे से समझ सके। होता यह है कि एक दूसरे को खुश करने में या फिर अपनी तारीफों के पुल बनाने में टाइम निकलता जाता है, और जो रियल इमोशंस होते हैं, जो बातें एक दूसरे से रियल में शेयर करनी चाहिए, वो कहीं बहुत ही दूर रह जाती है। मोस्टली जब बातें होती है तब एक दूसरे से यही बातें होती है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें अपना सिर्फ बढ़ावा दिखाया जाता हो, तो ये थोड़ा बहुत गलत है जहां पर इमोशंस को अच्छे से समझा नहीं जा सकता। नंबर फोर, आकर्षण में जब भी कोई सामने वाला छोटी सी भी गलती करे तो बहुत ज्यादा बड़ा झगड़ा हो जाता है। मतलब कि छोटी छोटी बात पर एक दूसरे पर उंगली उठाना या फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना, ये आकर्षण में ही होता है। नंबर फाइव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिकल रिलेशनशिप पर ज्यादा जोर लगाना। वैसे मैं भी मानता हूं कि फिजिकल रिलेशनशिप होना जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि हमारे इमोशंस को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन पर ज्यादा जोर दिया जाए। ये तो थे साइन ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण की पहचान करने के 5 पॉइंट। अब बात करते हैं साइन ऑफ लव, प्यार की पहचान कैसे करें। नंबर वन, कोई शर्तें नहीं। जैसा मैंने पहले बताया कि प्यार बिना किसी शर्त और स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, और जिस भी रिलेशनशिप के पीछे कोई शर्त हो या फिर कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन हो तो वो आकर्षण कहा जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को समझना और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उसको चाहना, दैट्स कॉल्ड लव। नंबर टू, बोरिंगनेस। प्यार और अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच के फर्क को समझने के लिए रिलेशनशिप के साथ होने वाले उबाऊपन यानी कि बोरिंगनेस को समझना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे अगर आप किसी भी काम को करते हुए या फिर किसी भी रिलेशन में रहकर बोर महसूस करते हो तो वो केवल आपका अट्रैक्शन है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन। चाहे कितना भी आप अपने दिल को समझा लो कि नहीं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, मैं उसे बहुत चाहती हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर भी सच्चाई यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है। और सच्चाई देखी जाए तो सच ये है कि जिस भी काम या फिर जिस भी इंसान से आपको प्यार होता है, आप उससे कभी भी बोर नहीं हो सकते, या यहां तक कि उससे आपको कभी थकान महसूस होगी ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ उसे चाहेंगे, कभी भी आप उस इंसान से बोर नहीं होंगे, उसकी गलतियों को आराम से माफ कर देंगे या फिर उसकी छोटी छोटी गलतियों को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को और बेहतर बनाएंगे। नंबर थ्री, भावनाएं। अगर प्यार सच्चा है तो सामने वाला जो भी इंसान है उसकी भावनाओं का ही नहीं, उससे जुड़ी हर एक चीज का आप सम्मान करेंगे, हर एक चीज को आप उतनी ही वैल्यू देंगे
जितनी उसे वैल्यू मिलनी चाहिए, चाहे वो उसका टाइम हो, चाहे वो उसकी बातें हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग। पहले मैंने जैसे बताया कि अट्रैक्शन में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, लेकिन प्यार में ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हो तो आप उसकी गलती पर भी पर्दा डालकर उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसने ये गलती क्यों की। क्योंकि प्यार का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझकर अपने प्यार को और स्ट्रॉन्ग बनाना। नंबर 5, कमजोरियां। प्यार में इंसान एक दूसरे की कमियों पर ध्यान कभी नहीं देता, चाहे सुख हो या फिर दुख हो, वो उसके साथ खड़ा रहता है। तो ये तो थे साइन ऑफ अट्रैक्शन एंड लव, लेकिन यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा बातें मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिससे भी आप प्यार करते हो उसे पूरी तरह से खुला कर दीजिए। ना कोई दबाव होना चाहिए और ना ही किसी भी चीज़ पर रोक टोक होनी चाहिए। अगर वो सच में आपसे प्यार करता है या फिर आपसे प्यार करती है तो वो आपके साथ रहेगी। रिलेशनशिप को और अच्छी बनाने के लिए एक दूसरे पर दबाव डालना कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, सामने वाले को किस चीज़ की ज़रूरत है, और दोनों की ज़रूरतें बिना कहे पूरी कर देना उसे प्यार कहते हैं। उसे प्यार नहीं कहा जाता कि आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो भी यही चाहता होगा कहीं ना कहीं, या फिर वो भी यही चाहती होगी। उसके मांगने से पहले आप उसे उतना प्यार दे दीजिए, उतनी खुशी दे दीजिए, या फिर उतना खुला छोड़ दीजिए कि वो कभी कंप्लेन ही ना कर पाए और आपसे कभी दूर जा ही ना पाए। सो बेस्ट ऑफ लक आपकी लव लाइफ के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक आपके हर एक सपने के लिए। और नीचे कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने इस वीडियो से क्या सीखा। और अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपके बॉयफ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को और बेटर बनाने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब निकोलॉजी। दिस इज नीरज पटेल। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।